क्या नाम है? चेक करके बताओ तुमको। धोना धोना है, धोना उना है। अरे ऐसे खिलाएगी? इसीलिए मैं कह रही थी सजा दो, वो चूकेंगी नहीं। सही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या है बोलिए? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चुप चुप क्यों? चुप चुप पगली। और अभी हम पी रहे हैं, ये देखिए हमारी चाय गरम गरम। आपको भी पीना है? तुम्हें चाय पीना। और आज कुछ स्पेशल है। कल जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि कल कुछ स्पेशल डे है, तो आज है वो स्पेशल डे। और बताएगा कौन कि आज स्पेशल डे? रिम जी इधर आओ, इधर 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 उल्टा पड़ेगा वरना। ये लीजिए, आ गए रिम जी। अब रिम जी बताएगी क्या स्पेशल डे है, बता दूं? हाँ बताओ। आज मेरा बर्थडे है। आज है बिटिया रानी का हैप्पी बर्थडे। तो मैंने सोचा था कैमरे के सामने भी विश करूंगी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाया। सरप्राइज देने के लिए सोच रही थी, लेकिन यहाँ सरप्राइज होने से रही नहीं है ना। क्रीम कैसे खा रही है? यहाँ आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, यहाँ पे ससुराल है तो खुद से जाके लेना नहीं है। और वहाँ पर था तो आप ऑर्डर कर दोगे, घर पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर करने पे भी नहीं आएगी क्योंकि समोटो की फॉर्मेलिटी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पर नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर बड़े लोग ही कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ घर में बना सकते हैं और क्या खा सकते हैं, और वो भी कोई लाएगा सभी। तो मैंने रिमझिम से बोला था बाबू तुम मंगवा लेना तो फिर हम केक बना लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। अब देखो क्या होता है, जो भी होगा वही खुदा मंजूर हो गए है ना। तो देखते हैं रिमझिम का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होता है। ये क्या बोल रही है? पता नहीं कौन सी भाषा, विलायती भाषा, विलायती। एक मिनट, मिला के यहाँ रख दूँ। और रिमझिम का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होता है, क्या करती हम लोग है ना, किस तरीके से करते हैं। रिमझिम तो बेचारी खुश है इस बर्थडे में। पानी चाहिए? पानी दे दो मम्मी। बर्थडे में तो बड़े से बड़े लोग खुश होते हैं, तो फिर अभी तो ये तो छोटी है। तो बस चलिए अभी आप लोगों से हम थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है? तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं केक कटिंग के लिए, यानी कि अरिमजुम का बर्थडे था आज, मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो अभी केक आ चुका है, एक केक लाए हैं उसके चाचा जी और एक केक लाए हैं उनके पापा जी। तो दोनों ही केक कट साथ हो गए, कन्फ्यूजन की वजह से दो केक आ गए। चाचा जी को नहीं पता था कि पापा जी ला रहे हैं, और पापा जी को नहीं पता था कि चाचा जी ला रहे हैं। किसी ने किसी को बताया नहीं और केक आ ही गया। और मैं भी सोच रही थी अगर ऐसा कुछ होता तो एक तीन हो जाता, तो बस वही है। क्या हुआ? तो बस वही चल रहा है, केक कटिंग के लिए बुलाया गया है। तो चलते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसे सिंपल से और तरीके से हमारे यहाँ केक कटिंग होती है ना। तो आप लोग भी देखिए और इंजॉय कीजिए। तो चलिए चलते हैं, ठीक है? देखे भाई, तू उधर से देखो, बहुत बड़ा है, बहुत तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी फुल मस्ती देवरानी जिठानी की, केक की होली देखने को मिलेगी। काफ़ी यार मस्ती भरा दिन था, जब आप अपनी फैमिली के साथ रहती हो और इस तरह का मस्ती भरा दिन होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग रियल वॉइस सुनिए और हमारी मस्ती देखिए कितना ज़्यादा हम सब ने मिलकर इंजॉय किया है छोटे से ही बर्थडे में। चलो चलो छोटा बड़ा ले, ऐसे झटकों के तो नीचे चले जाएंगे। अरे हम तो बुला ले यार, मौसियन को बुला लियो, मम्मी का वीडियो बनाओ। सामने हम तो नहीं बुलाया। अरे ये बाबा मम्मी एक बोले ले, रुक जा और जान का जा दे ना, एक टाइम में बाबा साथ कटवा ले, एक टाइम में चाची चाचा के साथ कटवा ले। चल तो मम्मी को तो बोलवाई है बेटा, थोड़ा सा ऐसे होगा बाबू, ए तैयार है ना बाबा, यहां देखो गेट पर। ए बाबू थोड़ा सा
बाबा बैठे इधर आ जाओ इधर आ जाओ हमने बाबा मम्मी बाबा खबर अपना भी खा ले आओ गिरा भी दी दादी खिला दे दादी का अच्छा खिलाओ अंडा ना हो अंडा ना हो चॉकलेट पूछ ले पहले चाचा अंडा है वो मेरा आज ना खाओ मौसम की बाबा खाओ गवाला ना हो अंडा के सब अंडा नहीं बिना अंडे के नहीं बनता है ऐसा बता रहे एक बार से काट दे दो एक बार से तू इसको काट दे उसे काटने दो उसका बर्थडे है उसका बर्थडे है वही काटेगी वही केक है ना पापा का चाचा का जाओ अब हट रिंकू जा चल काटो चल चल ए इधर आता मैं देखा सही से माऊ बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे यार क्या नाम है केक काट के बताओ तुमका कोई खिलाओ नहीं है अच्छा केक का शौकी क्रीम कम देना क्रीम कम दे बीच वाला देना केक का शौकी है अब सबका काट के लो 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 बीच वाला देना केक जो मेरे हाथ है क्रीम ना देना क्रीम चिपक जाएगा चिपकने वाला है क्या नहीं केक क्रीम चिपक जाता है ना मम्मी रंग का खावा आते हैं ये वाला दीजिए बाबू लो फूल वाला लेना है एक लाला निकाल के हम मम्मी तो खिलाई नहीं बिटिया को खिलावा प्लेट में काट के रखो हाथ इधर घूम जाओ थोड़ा सा चाची ले आ दोना ले आ दोना उना है नहीं हाथ में देख लो चाची खवा दी छोटका है हाथ में नहीं ले रही लग ना जाए कहीं भौजी का ए मूर्ति वाला खिला रहे लोग नहीं निकला कैसे जाते केक खिला ऐसे नहीं काटा जाता है सबका काट के दाल दे ये पैसा को लग ना जाए नाम थोड़ा सजा तो दो अरे बुखार लाल पूछियो फिर लगा दो ना मैं मना कहाँ कर रही हूँ इसीलिए मैं कह रही थी सजा दो वो चूकेंगी नहीं हाथ में दो हाथ में बहुत मेरा बेटी बना बेटी बना हाँ सही देखे अंजू अंजू अब देखना होगा अबे और एक मेरे भी ला मेरे देखो चाची बहुत ज्यादा अब तेरा नंबर लो यही बात पे हो जाए लो लो ए बाप रे हाय बहुत ज्यादा मैं गाल दूंगी सिमजिम का बर्थडे पांच नोट मिल गई पापा ने दिया मेरे हम लोगों की केक खिलाई ऐसी की तैसी हो गई और बहुत ही अच्छे से रिमझिम का बर्थडे मना है दो दो केक आ गए थे दो दो चाचा ले आए थे और हम लोग बात ही कर रहे थे सोच रहे थे क्या करें अगर मैं जल्दी से आ जाऊं देख मम्मी तो अगर हम भी बेटे क्या कर रहे हो देखो लगे ना अरे यार गिर जाएगा बाबू इसको तो उस पर रख दो बक्से पे रख दो देखो खुला गिरे ना हेलो गाइस छोडूला पुडिंग का हनुमा हलूटा हरिया कर दो इधर आइए आप बताइए क्या बोल अरे कान का लग जाएगा बताइए क्या बोल रही है बताइए क्या बोल रही है बताइए
ये क्या है? अच्छा सुनिए, किसका बर्थडे था आज? किसका बर्थडे किसका था बताइए? भैया दीदी का। भैया दीदी का बर्थडे था? बहुत परेशान करती हो आप। तो बस रिमझिम का बर्थडे हो गया है सिंपल सोवर तरीके से, है ना? पिछले साल करवा चौथ था ना? नहीं, पिछले साल दीपावली थी। दीपावली के लिए चली गई थी पिछले साल। हाँ, पिछले साल दीपावली थी, उससे पिछले साल था करवा चौथ। और चाचू बुला रहे हैं। कुछ ना कुछ हो ही जाता है इनका बर्थडे, तो ऐसे हो जाता है हर साल का। इनके बर्थडे का यही है, कुछ ना कुछ जाम फंस जाता है जिसकी वजह से बर्थडे ऐसे मनाना पड़ता है। और देखिए कौन है जो मेरी बात सुन रहे हैं। ये कह रहे हैं हम भी चलेंगे इस बार। चलोगे इलाहाबाद? इलाहाबाद ये भी जाने के लिए तैयार। तुम भी चलोगे इलाहाबाद? मम्मी को छोड़ के चलोगे? तुम्हारी मम्मी तो नहीं जाएंगी, तो क्या करोगे? जाएंगे। पूछना मम्मी से, पूछे हो क्या? बोले हो चले? कहाँ चली हो? किससे? मम्मी से। क्या बोले हो? क्या बोले मम्मी से? मम्मी से क्या बोले? हेलो गाइस, बहुत ही चिट्टी चिट्टी बात। एक मिनट बेटा, अच्छा यहाँ बैठिए। वो देखो भाग गया। हेलो गाइस, भाग गया। चलियो चलो करके। हेलो गाइस, एक बार बोलो। बहुत बहुत बदतमीज हो गई है, बहुत ज्यादा शैतानी करने लगी। अब तो बस ये है ना, इसको ले लेंगे अभी। हम लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। और आज हम लोगों ने खाना नहीं बनाया, बताइए। आज इनका बर्थडे है और बर्थडे पहली बात तो कोई बर्थडे मनाने को तैयार नहीं था। और जब बर्थडे मनाने की बारी आई तो सब लोग बर्थडे वाले दिन भूखे पेट सो जाएंगे। आप लोग जानना नहीं चाहोगे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम लोग भूखे पेट सो जाएंगे। हमारा बर्थडे अच्छे से नहीं मन पाया, लेकिन मन गया फिर भी। हाँ, और खाना भी नहीं, बताइए बर्थडे खाना तक नहीं बनवा रहे। हम लोगों की दावत कहीं और है। आज बर्थडे यहाँ मना है और दावत कहीं और है। हमारे पटीदार में जो होते हैं इनकी दादी, हमारी चाची, उनकी बेटी हुई है, तो उनके यहाँ फंक्शन है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यहाँ खाना बनाने और वहाँ ना जाएं, क्योंकि रिश्तेदार में ये सारी चीजें हमें करनी ही पड़ती है। तो बस इसलिए बिटिया रानी का बर्थडे है और खाना तक हम लोगों ने नहीं बनाया और वहाँ पर खाना बनाया। तो बर्थडे केक यहाँ कटा है, खाना ये बेटा खाना यहाँ खाएंगे और नहीं खाना वहाँ खाएंगे और केक यहाँ, है ना? तो तुमने बताया नहीं, तुम चले गए, तो क्या बोलोगे मम्मी से? बताओ, बोलो क्या बोलो। हाँ, बाद में फिर चल गए। हाँ, कहाँ जाओगे? हाँ पूछो। अब ये नहीं बोलेगा, सोची कि आप लोगों को इसकी क्यूट सी भाषा सुना दो, लेकिन ये नहीं बोल रहा है। और बस अभी हम लोग चलते हैं खाने मिलेंगे। अभी तो पता नहीं कितना बज रहा है जाने में, है ना? तो थोड़ी देर में मिलते हैं ना। कैसे देती है?